नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। स्टार टीवी कपल जो है भानुशाली और माही विज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कपल को उनके कुक ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से जय माही अपने बेटे तारा को लेकर काफी परेशान है। जय माही ने कुक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। गुरुवार को जय भानुशाली और माही विज ने अपने कुक के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। कुक ने जय माही के साथ उनकी 2 साल की बेटी तारा को जान से मारने की धमकी दी। माही ने इसे लेकर कई सारे ट्वीट किए थे, जिनके बाद माही ने वो ट्वीट डिलीट कर दिए थे। फिर माही विज ने ई टाइम्स एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कुक की धमकी को कंफर्म किया। माही ने कहा था, बस 3 दिन ही हुए थे और हमें पता चल गया कि वो चोरी कर रहा था। मैंने जय को उसके बारे में बताने का इंतजार किया। जैसे ही जय आया, वो कुक के साथ बिल सेटल करना चाहता था, लेकिन कुक को पूरे महीने का पैसा चाहिए था। जब जय ने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, 200 बिहारी लाकर खड़ा कर दूंगा। उसने शराब पीकर हमें गाली देना शुरू किया। हम पुलिस के पास गए, मुझे कुछ भी हो जाए उसका डर नहीं, लेकिन मेरी बेटी को के लिए मुझे डर लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माही और जय पुलिस के पास गए और कुक को गिरफ्तार भी किया गया। फिर वो बेल पर बाहर आ गया। इससे माही बिल्कुल खुश नहीं है। माही ने कहा, जब हम पुलिस स्टेशन गए थे तो वो मुझे बार बार फोन कर रहा था। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। इन दिनों आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो डरावना है। क्या होगा अगर वो मुझे चाकू मारे, अगर वो मुझे कुछ हो जाए तो लोग बाद में प्रोटेस्ट करेंगे, इसका क्या पॉइंट है। मैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए परेशान हूँ। मैंने सुना है वो बेल पर बाहर आ गया। क्या होगा अगर वो सच में मेरे घर के बाहर लोगों को लेकर आए और हमें टारगेट करे। माही ने बताया कि इस कुक के लिए उनके किसी दोस्त ने सिफारिश की थी। कुक ने नौकरी पाने के लिए अपने परिवार का वास्ता दिया था। कुक ने ज्यादा सैलरी मांगी थी, लेकिन फिर बातचीत के बाद उन्होंने कुक को वो सैलरी दी जो वो देना चाहते थे। जय भानुशाली और माही विज इस वाकये से हैरान है। जय और माही टीवी वर्ल्ड के नामी एक्ट्रेस हैं। दोनों कई शोज में दिखे हैं। 2011 में उनकी शादी हुई थी और 2019 में कपल ने एक बेटी को वेलकम किया था। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।